मामले में सिर्फ मैं इतना बात कहूंगा कि ठीक है, वो उद्योगपति हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और वो इस तरीके के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को फंड भी करते हैं, इसके बारे में जाने जाते हैं वो। ट्रंप के खिलाफ उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के कई उम्मीदवारों को फंड किया और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से फंड किया। देखिए, अमेरिका में कोई भी चीज़ होती है, बहुत ही पारदर्शी पारदर्शिता होती है वहाँ पे। वहाँ पे लॉबिंग कंपनी भी है पार्लियामेंट में, उसको वो इनरोल करती हैं अपने आप को, और वो डिक्लेयर करती हैं कि फला चीज के लिए हम फला सीनेटर से लॉबिंग कर रहे हैं, और उसकी कॉस्ट भी आती है जो कि सीनेट और कांग्रेस की वेबसाइट में होती है, आज भी आप जाके देख सकते हैं। तो अमेरिका का सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है, वहाँ कोई पर्दे के पीछे कुछ नहीं है। तो जॉर्ज सोरोस भी पर्दे के पीछे से कुछ नहीं कर रहे हैं, एक बात। दूसरा कि देखिए, ये अफवाहें, एक जो मैप आपने दिखाया था, माइंड मैप, वो भी उस अफवाह का हिस्सा है। वो व्हाट्सएप में वो माइंड मैप मेरे पास 2 साल पहले आ चुका है, कोरोना के समय। तो ये घूम रहा है, तो इनके जो सोर्सेज हैं, वो जो गप जहाँ से इनको मिलती है, वो गप के ठिकाने मैं भी जानता हूँ, इसलिए मेरे पास भी वो चीज़ें पहुँचती हैं कई कई बार। ये जो माइंड मैप है, ये मैं देख चुका था पहले ही, इसलिए वो जरा आईटी उस सेल मैप में को ले जाता आइए, मैं है। चाहता हूँ कि एक बार जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जरा उस मैप को ले आइए जो अमित मालवीय ने जिसको शेयर किया था, जिसके बारे में बता रहे हैं प्रशांत जी, टंडन जी, जरा वो उस मैप को लाइए। अब वो जी, इंटरनेट ये में मैप। ये माइंड मैप कोरोना के बाद ये बहुत घूम रहा था कोरोना के दिनों में। तो ये सब चीज़ें देखिए बनाई जाती हैं वायरल करने के लिए। इससे इंस्पायर होके कोई कैबिनेट मंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वो अमेरिका में जाएगा तो आपका मजाक ही उड़ेगा। आप भारत का जो प्रतिष्ठा है उसके साथ आप समझौता कर रही, क्योंकि आपको गंभीरता से कौन लेगा? कोई आप मामूली विधायक तो है नहीं। अगर मुख्यमंत्री और इस तरीके के कैबिनेट मिनिस्टर अगर लगेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत इल एडवाइज्ड है, कोई गलत सलाह इनको दे रहा है। और इस पूरे प्रकरण में देखिए कि जब से अमेरिका में एक के बाद एक सेल्फ गोल हो रहे हैं, विदेश मंत्री चुप हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, बोलना तो उनको चाहिए। तो मुझे लग रहा है कहीं कोई या तो समझ की कमी है या इनको कोई गलत एडवाइस कर रहा है, और ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के उन हिस्सों पे बेवजह निशाना बना रहे हैं जो जिससे इनको मतलब पॉलिटिकली या रिश्तों में अमेरिका के साथ मोदी जी की जो गर्मजोशी है उसमें जाहिर सी बात है कमी आएगी। हथियार तो वो बेचेगा, आप खरीदेंगे, वो तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, उनका धंधा है हथियार बेचना। लेकिन जो सामरिक रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में गर्मजोशी की कमी बहुत होगी, और अमेरिका ने बहुत स्पष्ट तरीके से, देखिए डिप्लोमेसी में बहुत सीधे कोई बात नहीं कही जाती है, हम सब जानते हैं। जिसको हम लोग आम भो कोई अगर गोल गोल घुमा के बात कर रहा होता तो हम लोग मजाक में कहते हैं कि बहुत डिप्लोमेटिक भाषा में बात कर रहे हो। तो डिप्लोमेटिक भाषा गोलमोल होती है। अमेरिका ने बहुत स्पष्ट तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज करके, अंदर से बाहर से जैसे भी उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने चिट्ठी लिख डाली। ओबामा का इंटरव्यू आ रहा है जब मोदी जी व्हाइट हाउस में हैं। जिस दिन आखिरी दिन था मोदी का, उस दिन अडानी के ऊपर 2 जांच बैठ गई, और खबर तब आई राजीव जी कि
जब अमेरिका में सुबेरा नहीं हुआ था, आपके साथ हम ही लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी यहाँ पे जी। तो बहुत बहुत ही स्ट्रेटेजिक टाइमिंग थी उसकी कि कब इंडियन मीडिया में जाएगा वो। अर्ली मॉर्निंग यहाँ आ गया, उस वक्त अमेरिका में तो रात थी, दफ्तर बंद हो चुके, तब वो खबर आई है जहाँ से भी हम लोगों को मिली। तो आप टाइमिंग देखिए ना, 11-12 घंटे का फर्क है हमारे और अमेरिका में। बिल्कुल। तो इससे मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने बहुत स्पष्ट तरीके से दो बातें कर दी हैं। एक कि भारत से उनके रिश्ते कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, भारत के साथ वो इंगेज करेंगे, भारत के साथ उनके स्ट्रेटेजिक टाई अप हैं, और भारत के लोकतंत्र और संविधान और डेमोक्रेटिक जो कन्वेंशंस हैं उनका वो बहुत सम्मान करते हैं, ये अमेरिका ने दिखा दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि वो मोदी साहब की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी भारत की करते हैं, मोदी साहब को उन्होंने अलग ब्रैकेट में रखा, और ये संदेश पूरे पश्चिम दुनिया में चला गया डिप्लोमेटिक सर्किल में कि इंडिया अलग है, मोदी जी अलग हैं, और अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना या प्रेस कॉन्फ्रेंस का तिरस्कार करना और और जवाब ना दे पाना, उसके बाद उस पत्रकार को ट्रोल करना, आप समझिए कि आप भड़ाबड़ 5-6 सेल्फ गोल कर रहे हैं अपने ही गोल पे। और उसके उल्टा आप राहुल गांधी को देखिए कि जहाँ भी जा रहे हैं सवालों के जवाब दे रहे हैं, उनसे भी बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे गए, कांग्रेस पार्टी की हार के बारे में पूछे गए, उनसे सवाल पूछे गए उनकी मेंबरशिप कैसे गई, उनसे सवाल पूछे गए पारिवारिक डायनेस्टी को लेकर, परिवारवाद को लेकर, जिसका जवाब दिया उन्होंने। तो राहुल गांधी ने तो कुछ किसी को ट्रोल नहीं किया, उन पत्रकारों को या उन लोगों को जिन्होंने डायनेस्टी को लेकर सवाल पूछे या कांग्रेस पार्टी की खराब परफॉर्मेंस पे सवाल पूछे, वो सवाल भी हम लोगों ने देखे। तो ये फर्क वहाँ पे अमेरिका ने ये कर दिया है, और ये धीमे धीमे इनको समझ में आएगा, और जितना ये कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि इनको ये इल एडवाइस है, मैं दोबारा कहूँगा, या समझ नहीं है, और ये कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़ों को। दूसरी चीज़ देखिए, मेन मुद्दा तो राहुल गांधी और अपोजिशन की यूनिटी है, और अब ऐसा लग रहा है घटनाओं को देखकर, इनकी डेस्परेशन को देखकर, कल का मोदी जी का भाषण, आज स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हो सकता है अगले 24 घंटे में रविशंकर प्रसाद की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, तो इसको देखकर लग रहा है कि इनके पास आइडियाज नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को डील कैसे करें। तो एक तो ये कमी है, दूसरी चीज राजनीति में राजीव जी हम सब जानते हैं, एजेंडा कौन सेट करता है और उसकी प्रतिक्रिया कौन करता है, जो एजेंडा सेट करता है वही बादशाह होता है, वही पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। एक समय था कि बीजेपी एजेंडा सेट करती थी और बाकी लोग रिएक्ट करते थे, आज बीजेपी रिएक्ट कर रही है, सोशल मीडिया से तस्वीरें निकाल के कैबिनेट मिनिस्टर दिखा रही है, कोई एक वो घिसा पिटा एक ग्राफिक चल रहा है 2 साल से उसको दिखा रही है। इसका मतलब है कि एजेंडा बीजेपी नहीं सेट कर पा रही है, एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है, विपक्ष सेट कर रहा है, और ये उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तो पॉलिटिकल दस्तूर है जिसको कहते हैं ना थंब रूल, कि एजेंडा कौन सेट करता है और रिएक्ट कौन करता है, और ये थंब रूल पहले भी सही हुआ था, आगे भी सही होगा। राजीव जी, जी बिल्कुल, एजेंडा सेट कौन कर रहा है, क्या एजेंडा बीजेपी की जगह पे अब कांग्रेस सेट कर रही है, आना